हरे कृष्ण। तो आज हम प्रारब्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही भक्त अनेक बार प्रश्न करते हैं कि प्रारब्ध क्या है। वास्तविक प्रारब्ध यह है, कर्मों का फल ही जब इकट्ठा होकर के फूल रहता है, कहाँ पे संगठित होकर के रहता है, तो उसको ही प्रारब्ध कहा जाता है। हो सकता है यह प्रारब्ध इस जन्म का हो या अनेकों जन्मों का हो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अनादि कर्म पड़े पड़ी भवार नभो जले तरी बारे ना पाइलु उपाय। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अनादि कर्म फले, अनादि जन्मों का कर्म फल है। एक ही जन्म का नहीं, इस जन्म का तो है ही, लेकिन अनेक जन्मों का है। ऐसे 84 लाख जीव योनि में वैसे ही कई बार ऐसा भ्रमण कर लिया है, ब्रह्मलोक से पाताल पर्यंत भूलोक पर्यंत कई बार जीव भ्रमण कर लिया है। तो इस कर्म जो फल है बड़ा घातक है, वो कभी भी जाता नहीं है। तो कर्म इतना घातक है, ऐसा व्यवहारिक दृष्टि में कहते हैं, बाएं हाथ का जो कर्म फल है दाहिना हाथ भी नहीं लेता है। यानी कि बाम हस्त का जो कर्म फल है दक्षिण हस्त का कर्म फल भी स्वीकारता नहीं। इस संदर्भ में एक बड़ी रोचक कथा आचार्यगण वर्णना करते हैं। तो कैसे कर्म फल जिसके द्वारा हुआ है उसको ही प्राप्त होती है। एक बार कोई एक व्यक्ति एक बगीचे में, गर्मी का महीना था, एक बगीचे में अनेक आम के वृक्ष थे। तो आम को प्राप्ति करने के लिए लोग से ही सुमिष्ट आम को चखने के लिए गया था। विशाल बगीचा है, मालिक को एक कोने में रहता है, कौन जान पाएगा, एक दो आम चुरा लेता। तो वो व्यक्ति आम प्राप्त करने के लिए गया। तो पहला बगीचा को देखा कौन, मनुष्य शरीर में जो आँख है यानी चक्षु है, आँख ने उस बगीचे को या आम को देखा। तो आँख तो देख लिया, लेकिन आँख क्या चल के जा सकता है, नहीं जा सकता है। आँख का काम है बस देख लेना। हृदय में इच्छाएं तो उत्पन्न हो गई आम खाने की, लेकिन वो आम को खाने के लिए और एक इंद्र की आवश्यकता है और एक अंग की आवश्यकता है, वो है चरण या पाव। तो आंख ने देखा और पाव ने चला, पाव चल करके आम के वृक्ष के नीचे गया। तो पाव तो चल गया, लेकिन क्या पाव क्या आम को तोड़ सकता है, कभी नहीं। आम को तोड़ने के लिए हाथ की आवश्यकता है, हाथ की आवश्यकता है। तो वो क्या किया, हाथ के द्वारा एक पत्थर फेंक करके वो आम को तोड़ा। तो आम जब प्रकट हो गया, मन नीचे गिर गया पत्थर के कारण, देखने के कारण, तब आम जब गिरा तो खाया क्या हाथ, खाता है मुंह या जीवा, तो जीवा खाता है। तो देखिए, आंख ने देखा, पाँव ने चला, हाथ ने तोड़ा आम को, और खाया फल कौन पाया, मुख पाया। और मुख का फल भी सीमित है, मुख भी रस तो आस्वादन किया जीवा के द्वारा, लेकिन गले तक ही उसका रस है। तदुपरांत शरीर की जो पुष्टिकरण है उसको प्राप्त किया उदर। शांति कौन प्राप्त करता है, वास्तविक देखा जाएगा खिदार्थ है तो उदर प्राप्त करता है, यानी कि पेट। आंख ने देखा, पाँव ने चला, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया और तृप्ति प्राप्त किया उधर। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, जब आम की गिरने की आवाज आई तो जो चौकीदार था वो मारने के लिए दौड़ पड़ा। धीरे से छुप करके जो व्यक्ति आम खा रहा था उसके पीठ में एक डंडा लगाया तो एक डंडा लगाने के कारण पीठ पर दंड कौन पाया, दंड पाया पीठ ने। आंख ने देखा, पाँव ने चला, हाथ ने आम को तोड़ा, मुख या जीभा उसको स्वाद आस्वादन किया और उदर तृप्ति को प्राप्त किया, लेकिन दंड पाया पीठ।
तो एक व्यक्ति ये जब कथा सुन रहे थे प्रश्न के कैसा ये विधान है, आप तो बोल रहे थे जो बाएं अंग का फल दाहिना अंग भी प्राप्त नहीं करता है, प्रारब्ध का फल ऐसा होता है। लेकिन साधु बोले कि आप इतना में ही क्यों रुक गए, थोड़ा आगे भी चलिए। तो पीठ ने दंड पाया, निश्चित रूप से पीठ ने दंड पाया, लेकिन रोया कौन? रोया आँख ही। तो आँख ही रोया वो, तो आँख ने देखा, दुष्ट आँख ने दूसरे के बगीचे से आम खाने के लिए देखा, और इसके परिणाम फल स्वरूप रोया भी आँख ने ही। तो कर्म का फल इतना सूक्ष्म होता है, प्रारब्ध का फल इतना सूक्ष्म होता है, जो अंग देखा है, जो कर्म बुरा कर्म किया है, वही अंग ही उसका परिणाम प्राप्त करता है। वास्तविक ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जड़ जगत में जो अंधे होते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है कि पूर्व जन्म में वो इतना गलत दृश्य देखे हैं कि उनको चक्षु ही प्राप्त नहीं हुआ। जो लंगड़े हो गए हैं वो इतना बुरी स्थान पर भ्रमण किए हैं, बुरी कार्य के लिए उनका चरण गया है, इसके कारण भगवान ने उनको चरण ही नहीं दिया है। इस प्रकार से हर एक अंग का प्रारब्ध भी उसी अंग ही प्राप्त करता है। तो प्रश्न उठता है, यह समस्त प्रारब्ध से छुटकारा पाया कैसे जाए? प्रारब्ध भी तीन प्रकार के होते हैं। इच्छाओं से प्रारब्ध प्राप्त होती, यानी कि हमारे अंदर हृदय में इच्छा उत्पन्न हो जाते हैं कुछ भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए, तो हमारी योग्यता हो या ना हो तो उसके कारण जो प्राप्ति की अभिलाषा हो जाती है, इच्छाएं होती है, चेष्टा करते हैं, तो उसके अनुसरूप हमारे अंदर वो उसके कारण प्रारब्ध उत्पन्न होती। और कुछ तो इच्छा के बिना, यानी कि अनिच्छा से भी प्रारब्ध उत्पन्न होती, अनिच्छा से, इच्छा किए ही नहीं, जैसे वृष्टि हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ आ गया, हम इच्छा नहीं किए लेकिन फिर भी प्रारब्ध के कारण उसको भुगतना पड़ा। और इच्छा हो या ना हो, पर इच्छा से भी प्रारब्ध हो जाती, यानी कि आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपको मेडिकल जाने की जल्दी थी, लेकिन वो एक्सीडेंट के कारण रोड में जाम लग गई तो आप नहीं जा पाए। तो इच्छा से, अनिच्छा से, पर इच्छा से, तीनों से ही प्रारब्ध आता है, लेकिन सर्वोपरि देखा जाए अपने ही कृत कर्मों के कारण यह प्रारब्ध आता है। तो प्रश्न उठता है तो प्रारब्ध से छुटकारा पाया जाए कैसे? तो इसका उत्तर कहा जाता है कि कर्माण निर्दहन्ति किंतु च भक्ति भाजा। कर्म का निधन कब होता है? जब हम भक्ति करते हैं। भक्ति करने से ही यह प्रारब्ध कटती, और कोई भी उपाय नहीं है। तो प्रारब्ध का जो कर्म है अन्य अन्य देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है, जिसको सांसारिक जगत में ग्रह दशा कहते हैं। कोई कहता है हमको शुक्र दशा लग गई है, शनि का 7.5 लग गया है, अनेक अनेक ग्रहों का बात करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में वर्णना है कि प्रहलाद महाराज को भी एक ग्रह लगा था। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह ग्रसित, तो उनको कृष्ण का ग्रह लग गया था। तो जब भगवान का, कृष्ण का अनुग्रह हो जाता है तो कोई भी ग्रह सताता नहीं। तो अनुग्रह महत्वपूर्ण है, कृष्ण ग्रह महत्वपूर्ण है। तो जब हम कर्मों का निधान करने के लिए, कर्मों को समाप्त करने के लिए, प्रारब्ध को खंडन करने के लिए इच्छाएं करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, तो अनेक व्यावहारिक चेष्टाएं, यज्ञ, कर्म, दान, पुण्य, यह करणीय है, लेकिन पूर्णतः इसका आमूल विनाश नहीं कर सकता है। केवल ही केवल भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, भगवान कृष्ण के चरणों में, गुरु गौरांग के चरणों में जब तक हम समर्पित नहीं होंगे, भक्ति के माध्यम से, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, चरित्रों के माध्यम से अपने आप को सुधारेंगे नहीं, उनके चरणों में पतित नहीं होंगे, तब तक यह प्रारब्ध, यह कर्म का फल जाएगा नहीं। इसलिए यह बड़ी सुगम और सुलभ मार्ग है भगवान की भक्ति में समर्पित हो जाए, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर ले। जब बालक के समतुल्य पिता माता के चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो हमारा जो कर्म है, हमारा विधान है, समस्त उसकी इच्छाएं, अभिलाषा स्वतः ही पूर्ति होगी, तथा भगवान की अनुकंपा से हमारा पूर्व प्रारब्ध कर्मफल पूर्णतः चला जाएगा, और अन्य कोई भी मार्ग नहीं। हरे कृष्ण।